तुमने कोई चीज पढ़ी, उसको समझ में आया या नहीं आया, अपने आप से पूछो, क्या मुझे समझ में आ गया सब कुछ? अगर नहीं आया तो उसमें और मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं है लॉजिक बिल्ड करने का अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करो। पजल्स करो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा दिमाग खुलता है। वो दिमाग खुलना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है, आज तुम चार प्रॉब्लम में सॉल्यूशन सोच पाए हो, कल और प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन सोच पाओगे, तो वो तुम्हारा दिमाग बिल्ड करेगा। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, विच इज लॉजिक बिल्डिंग। यार, इससे ना बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग इस चीजों के बारे में सोचते हैं कि मुझसे सॉल्यूशन नहीं सोचे जाते, मुझसे लॉजिक नहीं बन पाते, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा भी थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाए, मैं भी सॉल्यूशन अच्छे से सोच पाऊं, बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंच पाऊं, वो कैसे आएगा मेरा माइंडसेट? यार देखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी फेस करता था अपने टाइम पे। मैंने 7 चीजें जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, जो मैंने करी थी। 2-3 महीने लग के इस पे मैंने काम करा था और मैं इवेंचुअली लॉजिक बिल्डिंग में अच्छा हो गया था। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी अच्छे हो जाओगे। इन 7 चीजों को कहीं नोट डाउन कर लो, अपने दिमाग में डाल लो, और इन चीजों पे अगर तुम काम कर लोगे तो पक्का अच्छे से लॉजिक बिल्ड हो जाएंगे। और ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट ओनली इन प्रोग्रामिंग बट इन जनरल लाइफ एज वेल। कहीं पर भी जाओगे, अगर तुम्हारे लॉजिक्स अच्छे हैं तो तुम फोड़ के काम करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे और अपनी लाइफ में राइज करते रहोगे। ठीक है, सो ऐसी 7 चीजें बताने वाला हूं, हर एक के पीछे बताऊंगा कि कैसे काम करना होता है, क्यों वो जरूरी है और उसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना। जिसको भी तुम्हें लगता है जिसको मदद चाहिए लॉजिक बिल्डिंग में, उसकी डेफिनेटली इससे हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, वो मिस ये चीजें मिस मत करना। और चलते हैं वीडियो में और एक एक करके हर पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने एटीट्यूड में डालना, विच इज ask questions to yourself। अपने आप से honest रहो, अपने आप को झूठ मत बोलो। ask questions to yourself का मतलब क्या है? तुमने कोई चीज पढ़ी, उसको समझ में आया या नहीं आया, अपने आप से पूछो, क्या मुझे समझ में आ गया सब कुछ? अगर नहीं आया तो उसमें और मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अपने आप से पूछते रहो, क्या आया, कुछ आया समझ? अच्छा, उसमें काउंटर क्वेश्चन करें, यार ये होगा तो क्या होगा, यार दूसरी चीज आ गई तो क्या होगा। मतलब तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, राइट? कि भाई लाइक उसके ये थोड़ा ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिया तो ऐसे ही हो सकता है। उसमें खुद से बात करो, यार ये वाला केस आ गया तो क्या होगा, यार दूसरा केस आ गया तो क्या होगा। जब तुम ये वाला थॉट प्रोसेस ले आते हो तो तुम अपने आप को पुश करते हो और इवेंचुअली तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सोचोगे उन चीजों के बारे में, यार ये आया तो क्या होगा, और उन चीजों के आंसर निकालने की कोशिश करोगे, एंड दैट विल इवेंचुअली मेक यू ग्रेट इन लॉजिक्स। ये पर्सनली बहुत सही वर्क करता है। खुद से बात करो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर निकालो, और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो तुम्हारे लॉजिक बिल्ड होंगे, नथिंग लाइक दैट। सो आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड गिविंग आंसर्स टू दैट एंड गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस विल बिल्ड योर लॉजिक्स इन एन अमेजिंग वे। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लो, मैं खुद से बात करूंगा और खुद को क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये काफी कॉमन है और ये तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई तरीका नहीं है लॉजिक बिल्ड करने का अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तुम डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से बनेंगे लॉजिक्स। नहीं हो रही प्रॉब्लम सॉल्व, मैं देख के कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, एंड उस चीज को अच्छे से नोट डाउन करके मैं कोड करके सबमिट कर लेता हूँ। करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और इवेंचुअली लॉजिक्स बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में नहीं होंगे, बट जब तुम 50वें क्वेश्चन पे आओगे तो तुम्हारे वो लॉजिक्स बिल्ड हुए होंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर कॉन्फिडेंस इज देयर एंड द मोर लॉजिक्स यू आर बिल्ड, राइट? तो बेसिकली डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स में क्या होता है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उतना लॉजिक्स बिल्ड होता है। तो रुकना नहीं है, राइट? कि मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर और क्वेश्चंस करूंगा, एंड दैट्स हाउ योर लॉजिक्स विल बिल्ड। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, राइट? मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एंड दैट्स हाउ माय लॉजिक्स विल ग्रो अ लॉट। और कोई इसका बाइबल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो लॉजिक्स तो बिल्ड होने नहीं वाले। ठीक है, काफी कॉमन पॉइंट है और मैं स्टैंडर्ड रहूंगा, प्रैक्टिस से ही होता है, बातें करने से कुछ नहीं होता, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
ठीक है, तो इसको तो तुम्हें लिख लेना चाहिए, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सही वर्क करी है मेरे लिए, विच इज पेन एंड पेपर। यार इसको तो ना तुम एकदम दोस्त बना लो, है ना, कि भाई इसके बिना जो भी चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही उसको लिखो, उसको समझो, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करने लगेगी। जब तुम किसी चीज को लिखते हो तो फालतू के लिए तो लिख नहीं रहे होते हो, उसके पीछे सोचोगे यार ये मैं लिख रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, राइट। कोई चीज समझ नहीं आ रही उसको लिखना शुरू कर दो, देखना तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएंगी चीजें। कोई सोल्यूशन सोचना शुरू करो, उसको पेन एंड पेपर पे लिखने की कोशिश करो। एरे बना रहे हो, एरे बनाओ। ट्री बना रहे हो तो ट्री बनाओ, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस कंसिडर करो। दिमाग से नहीं सोच सकते जब तक उसको लिखोगे नहीं, तब तक दिमाग में लॉजिक्स नहीं आएंगे, राइट। कोई सी भी चीज करी तो उसको देखा, उसका ड्राई रन करने की कोशिश करा। ट्री का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करा एक दो क्वेश्चन, उसको ड्राई रन करा। पेन एंड पेपर पे हर एक केसेस लगाने की कोशिश करी। पेन एंड पेपर पे सोचो ये होगा तो क्या होगा, पेन एंड पेपर का यूज करो और तुम्हारे दिमाग में लॉजिक्स आने लग जाएंगे। सो पेन एंड पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सही हेल्प करता है हमारे लॉजिक बिल्डिंग में। जो भी चीज तुम्हारे क्लिक नहीं कर रही उसको पेन एंड पेपर उठाओ, लिखना शुरू कर दो, चाहे थोड़ा बहुत कोड लिखना शुरू कर दो और तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, है ना। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब शुरू में कोडिंग स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा पेन एंड पेपर में पहले कोड करो, फिर लैपटॉप पे करो। डायरेक्ट लैपटॉप पे करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। पेन एंड पेपर का यूज करो, थोड़ा छोटा छोटा सूडो कोड टाइप लिख लिया पेन एंड पेपर पे और फिर एक्चुअल कोड करने का। This will really build your logic in an amazing way. कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 2 से 3 महीने अगर हम pen and paper पे कर लेते हैं उसके बाद बिना pen and paper के भी कर पाएंगे। वो स्टेज तभी आ पाती है जब शुरू में pen and paper पे कर पाते हैं। तो प्लीज उससे डरो मत, शर्माओ मत, यूज pen and paper, कोई कमी थोड़ी ना है। जितना यूज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा लॉजिक्स बिल्ड होंगे, ठीक है। तो प्लीज अपनी आदत में डालो, pen and paper शुरू के 2 से 3 महीने अच्छे से यूटिलाइज करो, दैट विल रियली बिल्ड योर लॉजिक्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर प्रोग्रामर्स, विच इज यार ऐसा मत करो केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ही कर रहे हो। देखो लॉजिक बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स सोचना या उसकी क्वेश्चंस करना। लाइक पजल्स करो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, दोस्तों के साथ कुछ कुछ छोटे छोटे पजल्स करो, कुछ क्विज ऐप वगैरह में पार्टिसिपेट करो, थोड़ा सा दिमाग खुलता है, वो दिमाग खुलना बहुत जरूरी है। तो चौथा पॉइंट यही है, वो थोड़ा सा मतलब नॉट ओनली डीएसए बट एप्टीट्यूड पजल्स ये सब चीजें करोगे तो थोड़ा थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है, दूसरे तरीके से सोचना आता है। हो सकता है ऐसी अप्रोचेस तुम्हारे दिमाग में है जो किसी के भी नहीं आएगी, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अपना इलांगेट करो, केवल अपने आप को डीएसए में मत लिमिट करो। थोड़ा सा एप्टीट्यूड जैसे आधा घंटा कर लिया वीकली, कुछ भी कर लिया, पजल्स कर लिए कुछ कुछ वीकली, राइट, न्यूज़पेपर में सुडोकू वगैरह सॉल्व कर लिए, कुछ भी करो, राइट, बट कुछ ना कुछ दिमाग को चलाते रहो, केवल लिमिट मत करो। दिमाग को चलाना बहुत जरूरी है एंड केवल डीएसए में जरूरी नहीं है, कहीं पर भी चलाओ, थोड़ा थॉट प्रोसेस बिल्ड करो और तुम्हारे लॉजिक्स बहुत सही बिल्ड होंगे। ये सब काफी अंडररेटेड है, करते नहीं है लोग, बट ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये चीजें, है ना। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन या कुछ कुछ बनाते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा और तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू डीएसए, साइड बाय साइड थोड़े थोड़े हसल डालो और थोड़े थोड़े चीजें करते रहो, चाहे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया, जिससे कि बस दिमाग खुल जाए हमारा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज देखो लॉजिक जब बिल्ड होते हैं ना, 1 महीना काम करा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होता है, जो भी तुमने 1 महीने में सीखा क्या उसको तुम रिवाइज कर रहे हो। जब तक तुम्हारे अंदर से वो नहीं आएगा ना यार इतना तो मैंने कर लिया, इतना तो मुझे आता है, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे को नेक्स्ट चीज जो करनी है उन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड इवेंचुअली वो लॉजिक्स बिल्ड करवाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना किससे होता है, रिवाइज करने से होता है। मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में जो उनसे क्वेश्चन करे थे मैं उनको थोड़ा सा ना 4-5 क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन दोबारा कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम्हारे को लगेगा हाँ यार मेरे को इतना आता है, जब वो कॉन्फिडेंस आता है ना, हाँ यार इतना तो आता है, तो आगे चीजों में भी अच्छा कर पाते हैं, फिर उन चीजों को करते हैं, फिर उन चीजों को रिवाइज करते हैं और अच्छे होते चले जाते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी तुम भूलोगे, बट क्या होगा उसको दोबारा करोगे, रिवाइज करोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलो कोई बात नहीं, भूल गया था, अब रिवाइज कर लिया और अब तो आता है मुझे इतना सारा। तो वो रेगुलर रिवीजन, जो भी तुमने क्वेश्चन करे हुए उनको दोबारा देख लिया, ये चीजें बहुत ज्यादा करते हैं। और सक्सेसफुल पीपल की निशानी होती है वो अपने पुरानी चीजों को नहीं भूलते, उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहते हैं, अपनी आदत में लाते रहते हैं, ऐसा अपना एटीट्यूड नहीं बनाते कि हाँ मुझे तो ये आ गया था उस टाइम, थोड़ा टाइम हो गया, रिवाइज कर लिया और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। रेगुलर रिविजन बहुत जरूरी है,
है ना, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप से बात करो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, क्या तुम्हें आया था क्या तुम्हें नहीं आया था, उन चीजों को रिवाइज करते रहोगे और तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग बहुत सही होगा, वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, वो तुम्हारे को फ्यूचर में और अच्छे लॉजिक्स बनाने में हेल्प करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो रेगुलर रिविजन की रेगुलर रिविजन दैट विल रियली हेल्प यू। द नेक्स्ट पॉइंट जो अगेन लॉजिक बिल्डिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट इज कंसिस्टेंसी। देखो अगर तुम अपना शेड्यूल ऐसे बनाते हो, मैं 10 दिन बहुत अच्छा काम करता हूँ, फिर 20 दिन का ब्रेक लेता हूँ, फिर 10 दिन अच्छा काम करता हूँ, सारा मोमेंटम ब्रेक होगा, तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड नहीं होंगे। कंसिस्टेंसी, थोड़ा थोड़ा करते रहता हूँ बट रेगुलर रहता हूँ, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, ब्रेक नहीं लूंगा, थोड़ा थोड़ा रेगुलर करता रहूंगा, एक दो दिन का ब्रेक इज ओके, पर तुम ऐसे 10 दिन का ब्रेक 15 दिन का ब्रेक मारोगे तो भाई नहीं होने वाला है ना। तो कंसिस्टेंट रहो, मैं डीएससी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, एरे की 2-3 प्रॉब्लम्स आज कर ली, कल कर ली, फिर स्ट्रिंग्स की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कर ली, बट रेगुलर रहो, है ना। एक आध दिन बीच में ब्रेक ले लिया कि जिस दिन कुछ नहीं करा, बट फिर अगेन मोमेंटम में आ गए। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है, आज तुम 4 प्रॉब्लम में सोल्यूशन सोच पाए हो, कल और प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन सोच पाओगे, तो वो तुम्हारा दिमाग बिल्ड करेगा, है ना। दिमाग को बहुत जरूर, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा चीजें पुरानी याद नहीं रख सकते हैं, जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो कल भी कुछ चीजों पे काम करा होगा, वो हमें आज में हेल्प करेगा, फिर आज जो सीखेंगे वो कल आने वाले कल में हेल्प करेगा। जब इस मोमेंटम में रहते हो तो तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड होने चले जाते हैं, है ना। अगर ब्रेक दोगे तो वही ब्रेक तुम्हारे लॉजिक्स में भी आएगा और इवेंचुअली अच्छा नहीं बन पाएंगे। तो ज्यादा लंबे लंबे ब्रेक्स मत दो, छोटे छोटे ब्रेक दो, कंसिस्टेंट रहो और लॉजिक्स बिल्ड होते रहेंगे, चाहे वो डीएसए की बात हो, चाहे एप्टीट्यूड की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड होंगे विद द कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसको अपनी आदत में डालो। और लास्ट पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम पाथ फॉलो कर रहे हो, चाहे डीएसए सीख रहे हो, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना चाहिए। वो पाथ जो होना चाहिए वो एक अच्छा सा पाथ होना चाहिए कि भाई ये एरे के पहले 5 इजी प्रॉब्लम्स करो, फिर 10 मीडियम करो, फिर 5 हार्ड करो, उसको स्किप मत करना। अगर तुम इजी के बाद हीरो बनो, हाँ यार मुझसे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, और डायरेक्ट हार्ड पे चले जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटेगा, तुम्हारे लॉजिक्स टूटेंगे और तुम्हें लगेगा मुझसे प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लोग यही स्ट्रगल करते हैं, लोगों को यही फाइट रहती है कि यार मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, यार तूने 5 ही ढंग से फॉलो नहीं करा, तेरे को पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, फिर कुछ कुछ मीडियम करते रहने चाहिए, वो नहीं हुए तो उनको रिवाइज कर, उनको सॉल्व कर, और फिर जाके हार्ड पे जा। डायरेक्ट इजी से हार्ड चले जाएगा तो भाई नहीं होने लॉजिक्स, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे और आता कुछ है नहीं, अभी कैसे बनाओगे लॉजिक्स यार, जब सीखा ही नहीं है, ढंग का पाथ ही नहीं फॉलो करा तो तुम क्यों जा रहे हो, ये फालतू के बहाने देना बंद करो, अच्छे से पाथ फॉलो करो। डीएसए में अच्छा होना तो 300 क्वेश्चंस पहले अच्छे से करो, फिर बात करो कि तुम्हारे लॉजिक्स कैसे हैं। उन 300 क्वेश्चंस में देख देख के भी सीखा है करा है, उसको रिवाइज करो एंड देन जज योरसेल्फ ऑन लॉजिक्स, है ना। डायरेक्ट हार्ड प्रॉब्लम, देखो हार्ड प्रॉब्लम्स करोगे नहीं होंगी, तुम्हें देख के सीखनी पड़ेंगी, मैं भी तो सीखता था, सब लोग सीखते हैं, हार्ड प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम में नहीं होती है, तो हम उसको देखेंगे, सीखेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो दोबारा करेंगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, वी विल फॉलो अ गुड पाथ, है ना। जैसे हमारे कोड स्टूडियो है, वहां पर अच्छे से प्रॉब्लम्स बने हुए हैं कि पहले इजी ये वाले करने हैं, फिर हार्ड कर, फिर ये मीडियम करने हैं, फिर ये हार्ड करने हैं, ना ये सब चीजें जो बनाई हुई है किसी ने पाथ, तो वो सोच समझ के बनाया। तो एक अच्छा पाथ फॉलो करो और अच्छे से काम करो और तुम्हारे लॉजिक्स बिल्ड होंगे। देखो ये 7 चीजें जो मैंने बताई हैं, आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, दूसरी बात मैंने बोली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट मैंने बोला पेन एंड पेपर का अच्छे से यूटिलाइज करो, कोई कमी नहीं है, जितना यूज करोगे उतना दिमाग में चीजें जाएंगी, उतना लॉजिक्स बिल्ड होंगे। चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला कि भाई डीएसए में मत लिमिट करो, थोड़ा थोड़ा एप्टीट्यूड करते रहो, थोड़े थोड़े पजल्स के क्वेश्चंस करते रहो, थोड़े थोड़े छोटे कॉम्पिटिशन करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लॉजिक बिल्डिंग में, थोड़ा डिफरेंट थॉट प्रोसेस देंगे। 5वां पॉइंट मैंने बोला कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट कैसे होंगे, तुम रिवाइज करते रहो चीजों में जो भी तुमने सीखा है, राइट, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हें समझ में आएगा अच्छा मेरे लॉजिक्स बिल्ड हो रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन लाइफ, लाइफ में जब कॉन्फिडेंस होता है ना तो सब चीजें अच्छी होने लग जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मुझे आता है, राइट, मैंने रिवाइज करा है, मेरे को आता है, दैट्स हाउ यू बिकम कॉन्फिडेंट। अगला पॉइंट मैंने बोला कंसिस्टेंट रहो, ज्यादा लंबे लंबे ब्रेक्स नहीं देंगे, छोटे छोटे ब्रेक्स देंगे, काम करते रहेंगे और लॉजिक्स बिल्ड होते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट मैंने बोला है
बात अपना अच्छा रखेंगे, सोच समझ के पार्ट चुनेंगे, इजी टू हार्ड में जाएंगे, इजी फिर मीडियम फिर हार्ड, ऐसे एकदम से इजी से हार्ड पे नहीं जाएंगे, राइट? अच्छे से खुद को जज करेंगे आफ्टर सॉल्विंग 300 क्वेश्चन। हाँ, अब मेरे लॉजिक्स कैसे, शुरू में जज नहीं करेंगे, शुरू में नहीं होगा काम। अपने आप को लॉजिक में चेक करना है तो 2-3 महीने बाद चेक करो, 2 दिन में कोई लॉजिक में अच्छा नहीं होता। 2-3 महीने बाद देखोगे तुम्हारे लॉजिक बहुत अमेजिंग हो गए होंगे और तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए होंगे, कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब जिंदगी भर तुम्हारे लॉजिक्स अछे होते रहेंगे, ठीक है? तो ये 7 चीजें हैं, कहीं लिख लो, अपने दिमाग में डाल लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से लॉजिक्स बिल्ड करो। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस करा हो, जो तुम स्ट्रगल करते हो, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट, है ना? कोई ऐसा पॉइंट जो तुम्हारे लिए वर्क करा है, शायद मुझे ना पता हो, तो वो भी शेयर कर दो कमेंट बॉक्स में, वो लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, है ना? लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना जिसको भी हेल्प की जरूरत है, और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना चैनल को, ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।